जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने बार बार बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया कि एनडीएमसी लॉ ऑफिसर की हत्या में उनके हाथ है, तो आपने जो खुली चुनौती दी है और 19 जून को ये खुली चुनौती होने वाली है, तो ये क्या पूरा मामला है और आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत जो पुराने वक्त में कही गई है ये बिल्कुल सटीक है। केजरीवाल साहब जो वादे और घोषणाएं करके दिल्ली में सत्ता पर काबिज किया इन्होंने, और उसके बाद अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये मनगढ़ंत इधर उधर आरोप लगा के भागते हैं। ऐसा ही कुछ आरोप इन्होंने मेरे ऊपर लगाया। हालांकि केजरीवाल मेरे जीवन को बहुत अच्छे से जानता है, मेरी ईमानदारी या मेरे जीवन की परिशुद्धता देखते हुए केजरीवाल दोनों हाथ जोड़कर मेरे पास आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन के वक्त मदद मांगने। जन लोकपाल का नामकरण मैंने किया। अब ऐसा व्यक्ति उठा रहा है तब मैं भी भौचक्का रह गया और मैंने कहा अब इसका जवाब तो देना पड़ेगा, और मैंने खुली बहस की चुनौती दी। अगर दम है और दूध पिया है रायता, पता चल जाएगा, आ जाओ मैदान में। 19 तारीख को शाम को 4 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में खुली बहस की चुनौती दी। आए, उसके पास जो भी आधार है वो लेकर के आए, और अगर मैं दोषपूर्ण पाता हूँ वहीं के वहीं इस्तीफा दे दूंगा, और अगर नहीं है तो वो फिर इस्तीफा दे दे और माफ़ी मांगे, ताकि पता तो चले भगोड़ा केजरीवाल, डरपोक केजरीवाल जनता को जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। एक आखिरी सवाल कि केजरीवाल अब गोवा में भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पंजाब लड़ने जा रहे हैं, और आज गुजरात का भी आया है कि अब वो गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, हिमाचल में चुनाव लड़ेंगे, तो हर जगह वो अपनी एक साख बनाने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को इस पर क्या फर्क पड़ेगा और उनकी जो मौजूदगी वहाँ पर दिखाएंगे, उम्मीदवार उतारेंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीजेपी अपने विकास लक्ष्य कामों को लेकर देश में और विश्व भर में वैसे ही काम कर रही है, विश्व में एक पहचान बना चुकी है, तो बीजेपी को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी जो कुछ नौटंकियां कर रही है वो यहाँ दिल्ली में करके वहां पर करेगी। लोगों को ये सोचना है कि पहले दिल्ली में आए, जानकारी ले कि दिल्ली में इन्होंने क्या काम किया है, लोगों को ये पता करना होगा, क्योंकि इन्होंने नौटंकी के सिवा कुछ नहीं किया। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद महेश गिरी, जिनका कहना है कि बीजेपी सरकार विकास का काम कर रही है लेकिन केजरीवाल सरकार सिर्फ और सिर्फ नौटंकी पर काम कर रही है।